हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, ये चिकन है और बन रहा है चिकन कोरमा। और वक्त है सुबह का, 8 बज रहा है। और वजह ये है कि इतना सुबह सुबह कैसे बना रहे हैं हम, तो ये है कि छोटा बेटा जो अयाज है वो आ रहा है आज, तो हमने कहा कि पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे उनको लेने स्टेशन। नहीं तो होगा ये कि फिर आने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर वो आ जाएंगे तो उनसे बातचीत करने में तो फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे काम। तो इसलिए हमने कहा कि पहले बना लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो बस टाइम था उनका आने का, ट्रेन का 9:25 का टाइम था, राजधानी है, तो हम लोग को निकलना था करीब करीब 9:15। और इस वक्त तो शकुन भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो गई हुई थी शादी में, तो ये भी काम करना था, झाड़ू पोछा बर्तन। तो हमने ये तो चिकन कोरमा वगैरह बना के रख लिया था और हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए से। लेकिन बारिश उस दिन इस कदर बारिश हो रही थी कि ज़बरदस्त बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश का मौसम होता है बिल्कुल वैसे ही। बहुत ठंडा मौसम हो गया था बिल्कुल भी, और हम लोग ले जाना भूल गए थे छतरी। बहुत परेशानी हुई हम लोगों को क्योंकि इस तरह बारिश थी कि जो स्टेशन के बाहर पार्किंग करना था हमको गाड़ी, तो भी बिल्कुल 2 मिनट के रास्ते में भी हम लोग इतना भीग जाते कि बिल्कुल भी नहीं जा सके, इतना बारिश थी। तो हमको वेट करना पड़ा जब तक थोड़ी बारिश कम हुई, उसके बाद ही हम अंदर स्टेशन में गए। अरे तो 70 ना। हाँ, वो एक आगे ले आया ना। राजधानी बहुत खराब कर दिया है। ऐसा क्या? नहीं, सुबह सुबह बंद कर देते हैं जब स्टेशन आने का। ऐसा हाँ, असली वजह ही है, रातें का के लिए ऐसे वैसे ही होते हैं। ऐसा ना, चल। हाँ, बहुत अच्छा लगा अयाज से मिलके, खूब अच्छा लगा। और अब अच्छे रहेंगे ये लोग। और इस वक्त देखिए बारिश भी कम हो गई थी। जी मैं मिनिमम 7 तक के जा रहा है। अभी 4-6 दिन तो लगेगा मेरे। 4-6 दिन नहीं लगता है, मैं एक अभी 1 महीना लग जाएगा। हाँ तो 1 महीना। मैं दिखाता हूँ अभी एक चीज़ फोन में, दूसरे वाले फोन में भी। कैसे दी भैया? 80 रुपये किलो है, 100 रुपये है, 100 का 1.5 किलो। 80 बहुत पड़े ने, 1 मिनट ले, हम ले लेते, निकाल लेंगे। सही में क्या हो गया? शिमला छोड़ के आगे से मुंह उतर गया। अच्छा सो सकता हूँ, सो जाना बेटा, बैठ नहीं सकते ना आराम से। अच्छा ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी है बहुत। बेल बजा दीजिए। ये जाब लेने नहीं गए थे? हाँ नहीं। इतना प्यार का नाम है उनका, है ना यार। उल्लू नहीं लगाया, अच्छा सब उल्लू हैं। अरबाज जा नहीं पाए स्टेशन, रात को सोते टाइम बोले थे कि हमें भी उठा दीजिएगा, हम भी जाएंगे, लेकिन उस वक्त उठ नहीं पाए तो नहीं गए।
इनको काफ़ी गर्मी लग रही थी, जिसमें इतनी बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी गर्म बहुत लग रहा था इनको, परेशान हो रहे थे। और क्योंकि वहाँ शिमला का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा होता है कि 12 महीने ठंडा पड़ता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बस इस वजह से परेशान हो रहे हैं। और देखिए दोनों बैठे हुए हैं, रात का टाइम था, मस्ती में लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था इन लोग को देख के माशाल्लाह कि चले दोनों एक साथ मिले हैं। फिर कब मिलना ऐसा होता है दोनों का पता नहीं। और यह दूसरे दिन का है, सुबह हमने सोचा कि चले इडली बना लेते हैं नाश्ते में, तो ये पैकेट था वही वाली इडली बनाए थे, और इसको थोड़ी देर 10 मिनट भिगो के रख देते हैं। सांभर बनाने चढ़ा दिया था, और ये बस इसमें ऑयल लगा दिया था, जो स्टैंड है ये इडली का इसमें, और इसको फिर हम सारा फील कर दिया, और इसको अब कुकर में चढ़ा, ये जो स्टैंड है इसका इडली स्टैंड, उसमें रख देंगे 15-20 मिनट के लिए से। अब ऐसा है कभी कुछ कभी कुछ ऐसा बनाते ही रहेंगे, क्योंकि बच्चों को साथ में और हम दोनों होते थे तो फिर इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था बनाने का, बाहर जाके खा लेते थे, सोचते थे कि दो लोग के लिए क्या मेहनत करना इतना। फिर अब ये है कि अब हम लोग माशाल्लाह चारों हो गए हैं, तो अब ऐसा है कि पहले की तरह कभी कुछ बना लेंगे। और फिर बच्चे ऐसा रहता है कि परेशान भी हो जाते हैं, बाहर रहते हैं तो वो बात नहीं आ पाती, जितना भी आप बाहर खाएंगे लेकिन घर की बात घर की होती है, बाहर उतना, बाहर एक बार दो बार खाएं तो लगता है कि हाँ खुशी होती कि चले बाहर का खा रहे हैं। तो बस ये नाश्ते में इडली, सोचा कि आज चले इडली से शुरुआत करते हैं आयास की, तो बस इडली बन चुकी थी और काफ़ी अच्छी बनती है और पसंद भी है इन लोगों को, तो बस इसलिए बना लिया। इसमें इन लोगों को बाहर का भी शौक है, बाहर खाने का, लेकिन ऐसा होता है कि आप कभी हफ्ते में एक बार घर का खाएं, हफ्ते में एक बार सॉरी घर का खाना खाएं हफ्ते में और फिर एक बार बाहर जाके खा ले तो वो बात और होती है, लेकिन ये है कि आप पूरे टाइम कहें कि बाहर का खाएँ तो वो बात नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये अब हम लोग नाश्ता करेंगे, इडली बन चुकी है, तैयार हो गई है। अयाज को वादा किया था कि तुम्हें हम मोबाइल दिलाएंगे, तुम आ जाओ जब, क्योंकि उनके पास एक हमारा पुराना मोबाइल था, एक उनका मोबाइल था, ऐसे दो मोबाइल थे, लेकिन हुआ ये कि दोनों ख़राब हो गए। एक मोबाइल तो ऐसा हुआ था कि वो गाड़ी के नीचे आ गया तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, फिर एक से काम चला रहे थे, वो भी काफ़ी परेशानी हो रही थी उसमें उनको, और फिर उनको बर्थडे जो गिफ्ट भी नहीं दे पाए थे, मार्च में था उनका बर्थडे, तो हमने कहा आ जाना फिर हम तुम्हें दिलाएंगे, तो बस हम लोग आज जाएंगे इंशाल्लाह शाम को और उनका गिफ्ट लाएंगे। ये देखिए नाश्ता निकाल रहे हैं, पहले हस्बैंड को दे देते हैं क्योंकि उनके ऑफिस जाना है, उसके बाद फिर हम लोग खाएँगे। और काफ़ी अच्छी बनी थी और सांभर भी काफ़ी अच्छा टेस्टी था। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।